भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी मिशन 2024 में जुट चुकी है और पार्टी के कई दिग्गज नेता भी एक्शन मोड में आ गए हैं। ऐसे में बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसी बीच पार्टी के कई अहम बड़े फैसले भी लिए गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने हर एक संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव ऑफिस खोलने का बड़ा फैसला ले लिया है। साथ ही सभी प्रदेश अध्यक्षों को इसका निर्देश भी दे दिया गया है। सभी प्रदेश अध्यक्षों को 30 जनवरी से पहले पार्टी ऑफिस खोलने का निर्देश मिला है। बीजेपी ने प्रदेश संगठनों को कहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों और पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का इंतजार किए बिना चुनाव कार्यालय खोले जाएं। सभी लोकसभा क्षेत्र में खुलने वाले ये बीजेपी के चुनाव ऑफिस उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के पहले ही काम करना शुरू कर देंगे और चुनाव प्रचार सामग्री समेत उस संसदीय क्षेत्र की चुनावी तैयारियों, बैठकों और सभी गतिविधियों के केंद्र होंगे। वहीं अभी तक उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र में चुनाव ऑफिस खोलते थे। साथ ही पार्टी ने अपने प्रदेश संगठनों और कार्यकर्ताओं को चुनावी खर्चे कम करने को भी कहा है। प्रदेश संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है कि कार्यकर्ताओं को बताएं कि झंडे, बैनर, पोस्टर, वाहन आदि में कम से कम खर्चे करें। कार्यकर्ताओं को ये भी कहा गया है कि जनता को समझाएं कि पैसे खर्च करके चुनाव जीतना कांग्रेस का कल्चर है, हमारा नहीं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि बीजेपी का ये मिशन 2024 कितना काम आता है।